जो हैं वो जाहिल है। hmm. आप उधर बैठी जी। आपके उस वक्त क्या शो तो hmm. में आपको नजर आ रहा hmm. hmm. है एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस पैनल की बात हो रही है उस पैनल में हमने खुवान को बुलाने की और इनवाइट करने की बहुत कोशिश की लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन वो मैं आपको ऑफ द कैमरा बता चुकी हूँ है। है। उसकी वजह से फीमेल ठीक है uh, एक बात ये दूसरी बात ये कि साहिल साहब जो थे वो जिस कॉन्टेक्स्ट और पेराए में बात कर रहे थे वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जानने वाले को आलिम और ना जानने वाले को जाहिल कहा जाता है हेयर मी आउट ऑल्डो आई डिड नॉट अग्री विद डेट वर्ड बिल्कुल ठीक है बट हमारे पंजाबी कल्चर में जाहिल कहते हैं उज्जड गवार को जबकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जाहिल कहा जाता है उस इंसान को जिसे मालूम नहीं है या ला इल्म है ला इल्म है so है सो ये उन्होंने जो है, मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि ये बात उन्होंने उसे इस को चेंज करना चाहिए था। ला इल्म बोलना चाहिए था लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात एक्सप्लेन कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल किया आलिम और जाहिल से अबुल अब जहल की भी उन्होंने जी उन्होंने दी सो उस हिसाब से आई हैड टू लिसन एज अ अ एज होस्ट आई हैड टू लिसन ठीक है टू व्हाट ही वाज सेइंग बिकॉज़ उनका एक अपना तजिया था उस अब हाँ उसमें एक चीज जरूर मिस हुई कि हम उनसे कहते कि सर आप अपना जो ये मुशाहिदा है हुँ. सैंपल है वो प्लीज हमारे साथ शेयर कर दें ठीक है अब जो जो बात हमारी जो लड़की जो बाद में पता चला कि वो डिजिटल की ही एम्प्लॉई है असबा उनसे जो बात गलत हुई उनको कहना चाहिए था कि सर सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप फोन यूज करते हैं लैपटॉप यूज करते हैं गाड़ी इस्तेमाल करते हैं क्या आपको इन तमाम चीज़, एक चीजों के एक एक पार्ट का पता है ऑब्वियसली नहीं पता तो क्या आप जाहिल हैं नहीं आप ला तो आप अपना लफ्ज बदलें अजबा ने जोर किस पे दिया माफी मांगे एक जिद बना ली उन्होंने कि आप माफी मांगे वो अपनी बात अपना आर्ग्यूमेंट इससे अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकती थी उनसे साहिल साहब से पूछती कि क्या आपकी वालदा आपकी बेबी आपकी बहन आपकी बेटी जाहिल है अगर नहीं तो प्लीज अपने अल्फाज को बदलें और फिर आप कहती हैं कि आप औरतों से माफी मांगें मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा आई एफ बी पे भी मुझे बार बार यह कहा जाता है कि स्पीकर्स को बोलने दें स्पीकर्स को बोलने दें ऑब्वियसली एज अ होस्ट आप भी जैसे अब मैं बात कर रही हूँ ना बाद में बीच बीच में टोकेंगी तो आपको कहा जाएगा कि यार बात तो पूरी होने दो अब वो मुसलसल एक तो ऊपर से वो मुझे कह रहे थे कि आप बीच में मत बोलें उनकी बात मुकम्मल होने दें और आपने देखा है वो दोनों जो थे मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है खलील साहब भी मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्टेबल समझती हूँ मेरे लिए बहुत इज्जत के वो जगह पर है वो भी मुझे कह रहे थे कि आयशा तुम रुक जाओ मैं बात कर रहा हूँ और साहिल साहब भी मुझे कह रहे थे आयशा एक मिनट अब आयशा जो थी वो ऐसे थी कि क्या करूँ मैं मतलब मैं भी तो चाह रही थी कुछ कहना मैंने ब, बड़ी दफ़ा कहा भी कि सर आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि आप जो मुशाह देते हैं वो आप पर्सनल बात कर रहे हैं हम एक जनरल आवाम की बात कर रहे हैं यहाँ औरतों को हकूक नहीं मिल रहे उन्हें वो निकले तो वो गलत है मैंने ये साहिल साहब से भी ये सवाल दो दफ़ा किया उन्होंने जवाब नहीं दिया वो घूम के तागुत की तरफ जा रहे थे देखिए आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि जब आप एक सोशल प्रॉब्लम के अंदर इस्लाम को डालते हैं ना होस्ट के लिए कोई बात करनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि है। उस जगह पर उम्मत इस्लामिया खड़ी हो जाएगी और आपको संसार कर दिया जाएगा सोचा भी नहीं जाएगा कि आपने जो बात की है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है हम मानते हैं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता हम मानते हैं कि क्या इस्लामिक रूल्स अगर फॉलो होंगे तो बेहतरी आ सकती लेकिन हालात हाजरा का सीन ये है कि औरत को नहीं मिल रहा उसका राइट इस्लाम ही खीन को इतने देती है लेकिन वही बात है कि इस्लाम को इस्लाम हम तो दे रहे, अपनी मर्द नहीं दे रहे। करते हैं। जो 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 देखें जो बात उन्होंने कही मैंने कहा कि आप कहते हैं मस्जिद जाओ मस्जिद में तो जो हो रहा है उस पर तो रोशनी नहीं डाली जा सकती मस्जिद में जिन जिन बच्चों के साथ रेप किया लड़कों का रेप हो रहा है माजरत के साथ हम उस पर आवाज हम उस आज सवाल नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर उसको हशश कर दिया जाता है माफ़ी तलाफी हो जाती है और बात खत्म हो जाती है सो द थिंग इज कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि उसको ताकत दें उसको ताकत देकर क्या होगा ये ज़रा सोच लें पहले आप छांटी करें कि कौन आलम बन सकता है कौन लीडर बन के आलम इस्लाम को लीड कर सके फिर आप मस्जिद को त, वो दें ताकत फ्रेंकली लेकिन अगर आप इस वक्त कहें ना कि मस्जिद को आप ताकत दें तो जो वहाँ पर जो मैम बैठा है मेरी बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं जो एक माजूर जहनीत के साथ हैं और जिनका जो औरत को मस्जिद में जाने नहीं देते मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं औरतें बताएं आप गई हैं कभी यहाँ पाकिस्तान में मैं तो गई हूँ लेकिन चांदो का रमजान में चले चले जाते हैं एक आधबार एक आधबार और वो भी आपको औरतों के सेक्शन में आप जब मस्जिद नबी जाते हैं क्या आपके लिए अलग जगह है क्या आप हरम में जाते हैं आपके लिए अलग जगह है? में नहीं नहीं मस्जिद मस्जिद नबी नबी में 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 तो चले लेकिन अलग, हरम में नहीं, हरम में हर कोई बराबर है में आपको अलग जगह इसलिए दी गई है कि आप कंफर्टेबली लंबी आपने नमाजें पढ़नी है वहां पढ़ लें वहां पर भी मानियत नहीं है कि आप साथ यानी सफ़े अलग अलग करके नमाजें पढ़ें या कोई सेग्रीगेशन या पर्दे लगे हुए ऐसा कुछ नहीं है आप बहुत ओपनली अपना मजहब फॉलो करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमारे यहाँ सेग्रीगेशन और उसने क्या दिया है आपके मुल्क की आवाम को फ्रस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा पॉन सर्च करने वाली आवाम है आपकी पैंसठ फीसद आपकी यंगर जनरेशन है वो क्या देखते हैं आपको अंदाज़ा है नहीं दे आर वॉचिंग शिट लिटरल शिट और वही चीज़ वो बाहर माशरे में फैला भी रहे हैं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और देख आप देखें जनजी क्या कर रही है शादी में इंटरेस्टेड नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है जिम्मेदारी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है दे जस्ट वॉन्ट हैव फन वो आ, क्या कर रही है आइस पी रही है एक्सटेसी कर रही है पंद्रह रुपए में सौ रुपए में बीस रुपए में अस्सी रुपए में डेढ़ सौ रुपये में तीन हजार में हर किस्म की पेल अवेलेबल है कॉलेजेस के अंदर और बच माओं को पता भी नहीं कि बेटा क्या कर रहा है बेटी क्या कर रही है क्यों इतनी यंग एज पे बच्चों के हार्ट फेल हो रहे हैं जरा जाए ना इसके अंदर उतना ड्रग अब्यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ असाइनमेंट करने के बहाने इकट्ठे होते हैं आइस पीते हैं सो रहे हम लोग हमारे माँ बाप सो रहे हैं नहीं पता उन्हें कि बच्चे क्या कर रहे हैं हमने क्या किया है फोन पकड़ा दिया बच्चों के हाथ में दुनिया दे दी उनको इंटरनेट दे दिया फाइव जी फो एट जी टेन टेन जी और बच्चे कहाँ रह रहे हैं एक एक कमरे के मकान में आठ बच्चे सो रहे हैं और माँ बाप भी वहीं सो रहे हैं सो प्लीज देखें कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं बच्चों को क्या सिखा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं आप अपने बच्चों को और वो आपके मुंह पे खड़ी है जो चीज़ अब आपका सैलाब है ना पैंसठ फीसद का नौजवान का कहाँ जा रहा है वो या मुल्क से बाहर या यहां जो करतूत हो रही है वो देख ही रहे हैं आप अभी अगले दिन में देख रही थी एक अंडर एज बच्चा स्पीड में गाड़ी चलाता है और मोटरसाइकिल पे एक बच्चा जो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है उसको उड़ाकर चला जाता है उस बच्चे के चिथड़े हो गए सड़क पे किसी ने कुछ नहीं किया इस्लामाबाद की बात कर रही हूं देर इज नो चेक एंड बैलेंस कहा सब सो रहे हैं लिटरली सब सो रहे हैं क्यों कोई पुलिस वार्डन छह बारह साल के लड़के को जो जिसकी टांगे मोटरसाइकिल से नीचे नहीं लग रही उसको मोटरसाइकिल चलाने दे रहा है आपने देखा होगा यकीन नहीं है कुछ नहीं है आप किसे रोकते हैं बड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगी हुई ओके okay. आपको सेल्स टारगेट मिला हुआ है इतने आपने चलान करने हैं वो आपने कर लिए ओके okay. तो वो हुँ. उसका भी चलान करो ना बेटे उस बाइक पे जो बच्चा बैठा है जो अपने पीछे आप सोचे मैं इतनी बड़ी नर्वस रहू मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप पागल है मा? गाड़ी रोकती हूँ उस बच्चे को रोकती हूं, उसका नंबर लेती हूं, उसके घर वाले को फोन करती हूँ पता है मेरा बच्चा जो है बाइक लेके निकला हुआ है और इस वक्त वो कैंट की फलानी जगह पर है और अगर ये एक्सीडेंट कर दे और इस बच्चे को और इसके पीछे बैठे बच्चे को कुछ एक हो जाए। अच्छा होने की अलामत है देखे आप रहती कि देखें आप खुद भी तो माँ है ना यार लेकिन बात ये है कि उस बाप को क्यों नहीं पता कि वो बाइक गायब है और वो बच्चा भी गायब है घर से क्यों नहीं पता उन माओ को कि इस फोन में जो आपने टिकटॉक लाइव देखी है जो यूट्यूब पे पोस्ट हो रही है। क्या जर, हो रहा है जरा ढूंढे आपके ना चौदह तबक रोशन हो जाएंगे जो कॉन्वर्सेशन है ना वो इतनी गलीज है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी वो वर्बल पॉन है टिकटॉक लाइव पे वर्बल पॉन हो रहा है लोग पैसा कमा रहे हैं उससे और उसे उठा के यूट्यूब पे पोस्ट किया जाता है उस पर अलग व्यूज़ आते हैं उस पर अलग पैसा कमाया जाता है और वो इतने इतने बड़े बड़े वो बने हुए जाइंट्स बने हुए हैं टिकटॉक के अंदर स्टार्स आपके लिटरल जो हम जो कर रहे हैं ना इस वक्त अपने बच्चों के साथ आ, ये हमें इतनी बुरी तरह बैकलैश आएगा कि हम सोच भी नहीं सकते ये हम सही कोई ढीठ कॉम है जो हम अभी तक चल रहे हैं अल्लाह तवक् यकीन करें वरना हमने तबाही का कोई दहाना छोड़ा नहीं है अपने बच्चों के लिए और अगर आपको मीडिया में होते हुए ये सब हलाजतें नहीं पता ना तो आप समझें लाइलनी का का क्या लेवल है कि वो जो माँ घर में काम कर रही है ना जिसको इसका नहीं पता hmm. कि इसके अंदर कौन कौन सी एप है जो दोस्ती करने के लिए आपको पता है एक ऐसी ऐप है जिसमें इंटरनेशनली आप लोगों से बातें कर सकते हैं ये तो बहुत सारी एप्स हैं इस तरह की वो नहीं जो जो हम वो हैं जो अभी बहुत पॉपुलर ऐप्स हैं उनकी बात नहीं करें लाइव आप कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसका कोई ट्रेस नहीं है और वो सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड है और दैट्स इट और इंटरनेशनल नेशनल आप किसी भी दुनिया में कहीं से भी किसी के साथ भी बात कर सकते हैं उसमें क्या हो रहा है उसमें बच्चियाँ बच्चे बात कर रहे हैं उसके बाद इंस्टा हैंडल्स शेयर होते हैं इंस्टा हैंडल्स के बाद फोन कॉल्स शेयर होती हैं फोन कॉल्स के बाद Uh, मोहब्बत की पिंगे बढ़ती हैं रिलेशनशिप डेवलप होता है और रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है इट्स जस्ट अंडर द ऑफ फ्रेंडशिप सब कुछ हो रहा है फ्रेंडशिप के कवर uh, के अंदर एवरी और पेरेंट्स को नहीं पता क्योंकि पेरेंट्स के मुताबिक तो बच्चे सो रहे हैं या बाथरूम में उन्हें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है आपने कभी अपने बच्चे का फोन खोल के देखा है उसके अंदर किससे बात हो रही है क्या कर रहा है कितने घंटे क्या कर रहा है नहीं यू हैव नो आइडिया आप जो अपने टॉडलर्स को दिखा रहे हैं ना आई पैड्स पे आप कभी वो कॉन्वर्सेशन सुने लेकिन आयशा इसको टैकल कैसे करें हम देखें आप फोन तो ले लेंगी घर में ठीक है फोन लेना नहीं है बच्चों के साथ पुराने जमानों में ना ये कहा जाता था इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड आज क्या है हमारी विलेज सारी की सारी फ़ोन पे लगी है दादा दादी नाना नानी ना, टिकटॉक बना रहे हैं मम्मा बाबा इंस्टाग्राम्स पे तस्वीरें पोस्ट करें उनके पास टाइम नहीं है जब आप घर घुस गए हैं तो ये फ़ोन एक साइड पे रखते हैं वाईफाई लेस जिंदगी दो घंटे के लिए एक दूसरे के साथ बात करें आपको पता चले यार आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं यू जा रहे हैं यूके जा रहे हैं उनके पास नए नए गैजेट्स हैं आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स है और उसके पास नहीं है उसके बाप की सत्तर हज़ार तनख्वाह है वो एक कमरे के मकान में रहता है ये चीज़ें इतना बड़ा डिफरेंस क्लास डिफरेंस क्रिएट करी हैं पहले तो सिर्फ एजुकेशन में था कि प्राइवेट uh, एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन अलग थी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में था पब्लिक सेक्टर अलग प्राइवेट हेल्थ सेक्टर अलग मैं लिटरली मुझे थथलापा चल रहा है ये बात बोलते हुए कि मैंने जब अपना थीसिस किया था ना तो मैं हैरान थी एम uh, फिल का थीसिस था मेरा पब्लिक uh, 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 उसके ऊपर एजुकेशन और uh, मतलब जो डिफरेंट ब्रिज है बिटवी नो ब्रिज बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम तो वो जब बच्चे बड़े होंगे उनका जो क्लास सिस्टम डेवलप आप कर रहे हैं आप एलिट को क्या दे रहे हैं और आप जो मतवस्त घराने के लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं एक ऑल्टरनेट रियलिटीज में बच्चे जी रहे हैं इनके लिए जो ए में ना बैठना इज यार अम्मा क्यों तंग कर रहे हैं उनके लिए खाना मिलना तीन टाइम एक सर्वाइवल है एक ही क्लास में बैठे हुए जब ये दो बच्चे होंगे ना तो जो ताज़ाद हम हम जॉम्बीज डेवलप कर रहे हैं आने वाले वक्तों में जब इन बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं होगा और इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी पत्थर उठाएंगे ये बच्चे और मारेंगे इनको और सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं बेसिकली हम लोग क्या होगा जब ऑप्रेस्ड इतने ज़्यादा ऑपरेस्ड ओप्रेस्ड रह जाएंगे अब देखिए कितने ऑनलाइन स्कैम्स हैं जिनमें ये बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं पिक्चर्स दे देते हैं अपनी और फिर वो ब्लैकमेल होते हैं और होते चले जाते हैं बच्चे भी बच्चियां भी सो so, इतने सारे हमारे इस दौर के बच्चे के लिए इतने चैलेंजेस हैं कि माँ बाप को अपने ना माँ बाप होने के पेडेस्टल से नीचे उतर के उनकी ग्राउंड रियलिटीज और उनकी जो चैलेंजेस uh, हैं उनको समझना पड़े दोस्त पड़ेगा दोस्त बने अपने बच्चों तो का। और आपका रिलीजन कहता है यार चौदह सौ साल पहले वो कह गए कि अपने बच्चों पे डंडा मत चलाओ दोस्ती करो उनसे चौदह साल के बाद दोस्त बना दोस्त बन जाओ और उससे पहले भी हाथ मत उठाओ और हमारे यहाँ क्या होता है छः महीने का बच्चा अगर आप पे पानी गिरा दे तो आप रख के चपेट मारते हैं उस बच्चे के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी मर्दानगी अपनी जो बड़े होने का या औरत होती है तो अपनी औरतानगी <laughs> जो है वो जताने की कोशिश करती है या अपने खावन का गुस्सा अपने बच्चे पे निकालती आई वी नीड टू स्टॉप दिस और हमने ही रोकना है हमारी जनरेशन ने जिन्होंने डब्बा भी देखा है जिन्होंने फ्लैटरॉन भी देखा है जिन्होंने अब जो ये पाम टॉप्स भी देख रहे हैं हमने ही करना है

हमने शुरू में मैंने कहा था कि आज मैं अपने गेस्ट को बताना चाहती हूँ हु इज़ आयशा जहाँजेब तो हमने आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी ज़िंदगी के जो वर्क थे उनको हमने चेंज करते गए शुरू से आपने हमें अपनी लाइफ के बारे में बताया बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला और आपने आखिर में इतने अच्छे लाइफ लेसनस भी दिए जो आजकल के वालदे हैं कि आप लोग टाइम गुजारें अपनी औलाद के साथ देखें वो कर क्या रही है कि अब जहाँ पे नई नस्ल जा रही है उसके आगे अगर अब हमने ना रोका और चीज़ों को ना बदला तो आगे सिर्फ तबाही है बहुत बहुत शुक्रिया आयशा <laughs> बहुत you,